नमस्ते जी, स्वागत है आप सबका मेरे छोटे से प्यारे से चैनल पे, जहां हम मिनी व्लॉग और ट्रेवल की वीडियो डाला करते हैं। तो अब हमारा न्यू जर्नी जो है शुरू होने वाली है, न्यू जर्नी, और हम जा रहे हैं गोवा। ठीक है, तो बहुत दिन से हम इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे, बहुत दिन से। तो इस एडवेंचर पे आप सबका भी स्वागत है। जिनको ये वीडियो यहाँ से अगर स्किप करना है तो डायरेक्ट एक मिनट बाद स्किप करके गोवा की वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्वागत है सबका। हम लोग निकल चुके हैं गोवा के ट्रिप के लिए, मैं और हिमेश हम लोग निकल चुके, और वैसे भी बहुत लेट हो रहा है, हमको भाग के पहुँचना है पहले स्टेशन, क्योंकि हमको पकड़नी है ट्रेन। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट है। पूरी ट्रेन आप देख सकते हो खाली है, फुल कब्जे में ले ली हम लोग ने। ऐसे खाली ट्रेन हमें गोवा जाते हुए जो एक्सप्रेस रहेगी उसमें मिलनी, वही बात है, हम लोग वही सोच रहे हैं। डर लग रहा है कैसे होगा। फाइनली लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, देख सकते हो। और ये हल्दीराम का नया एक खुला है, पूरा ट्रेन लुक में है। ठीक है, ये जो नया खुला है हल्दीराम का खुला हुआ है नया, तो अभी हम लोग जो है पीछे लोकमान्य तिलक स्टेशन, तो यहाँ से अभी अपने टिकट बुक करेंगे गोवा की। चालू टिकट, बहुत लंबा सीन हो गया भाई, बहुत खतरनाक सीन बन गया। हिमेश क्या क्या प्लान चेंज करके कैसे कैसे यहाँ तक आए यहाँ। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे टिकट लेने। भाई लोग, फाइनली हमें चालू टिकट मिल चुकी है मडगांव एक्सप्रेस की, और अब भाग रहे हम लोग फटाफट स्टेशन। फाइनली हमको मिल गई ट्रेन, अपनी जर्नल बोगी मिल चुका, हम लोग को सीट भी मिल चुकी है। अब इंतजार है इसके छूटने का, देखते कब तक निकलती है ये, फिर निकला जाएगा कसम से भाई। वीडियो में बना नहीं पाया क्योंकि बहुत गर्दी थी, जैसे तैसे घुसना। भाई पूरी रात नहीं सोए, जागे हैं, अभी पहुंचेंगे तब सोया जाएगा, नींद आँखों में है, थोड़ी देर सोएंगे उसके बाद घूमने निकलेंगे। भैया दिन नहीं वेस्ट करना है, इसी के वजह से ही रात का सफर किया। अब तो हमारी ट्रेन बढ़ चुकी है, कैसे हो सब लोग, सुबह सुबह का माहौल एकदम खूबसूरत, मौसम सा है। रत्नागिरी स्टेशन आ चुके हम लोग, ये रहा रत्नागिरी स्टेशन, पहुँच चुके, और हम लोग बहुत पीछे वाले डब्बे में, मैं क्योंकि चालू डब्बे में हम लोग जैसे तैसे आए, तो रत्नागिरी ऑलमोस्ट पहुँच चुके। इसके दो स्टेशन बाद अपना गोवा का स्टेशन है जहाँ हमें उतरना है, फिर वहाँ से बस पकड़ना रहेगा। अभी तो ये जर्नी इंजॉय करते, मज़ेदार जर्नी है, मज़ा आ गया। सुबह हो चुकी है, खिली खिली धूप है, और सबका चिल्लम पुकार है पानी वाला वापस, सब कुछ हम लोग पहुंच चुके हैं थीवम स्टेशन, और अब जा रहे बाहर। यहाँ से हम लोग को जाना है बाहर, जाके भी बस पकड़नी है अपने होटल तक के लिए। बाकी व्यू कुछ ऐसा, लेकिन धूप बहुत है भाई, कड़कती धूप है, ये सीजन है गोवा का, इसलिए यहाँ पर गर्दी बहुत है। तो भाई सीन ऐसा कुछ, अब यहाँ से हमको जाना है बस स्टैंड सामने की तरफ, उधर से हमको बस मिली, और आई थिंक मुझे लग रहा है बस इधर खड़ी भी है, हिमेश खड़ी भी है, पकड़ना निकलते बस, बस पकड़ते फटाफट। फिलहाल तो हम लोग पहुँच चुके हैं मापुसा बस स्टैंड, ये रहा पूरा बस स्टैंड, इधर पीछे पूरा है बड़ा सा। इधर फिलहाल हम लोग कुछ खाने पीने आ गए हैं, क्योंकि अभी हमको दूसरी बस पकड़नी है। और हाँ, आपकी बस की कॉस्टिंग जो है वो 30 रुपया रहेगी पर पर्सन, ठीक है, पर पर्सन 30 रुपया, ठीक है। हम लोग का दो जन का था, हमने बस निकाली टिकट, आ गए यहाँ पर। फाइनली हम लोग कलंगुट सर्कल पहुँच चुके हैं, यहाँ से सीधा हमारा रास्ता है होटल का, वो रही बस। 20 रुपये का टिकट था हम लोग का, और 20 रुपये में, और इमेज सब बस में क्या चीज़ कॉमन थी, गाना। इंटरटेनमेंट आपको फुल मिलेगा बस में, फुल आ रहे बस में, आपको स्पीकर है मालूम है,
हम लोग जो पिछले वाली पकड़े थे उसमें भी गाना बज रहा था, इसमें भी बज रहा था। पब्लिक पूरा धूप में हम लोग काले साले हो गए हैं। अभी मैं आपको मेरा होटल दिखाता हूं। हमारा कमरा है एक बजट के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो बेस्ट एकदम जो हमने बुक किया था। एक बालकनी है इतनी बड़ी, यहाँ से व्यू दिखता है मस्त एरिए का। पहले तो मैं वो वाला बुक करने वाला था जो आप देख रहे हो येलो कलर का, बट हो नहीं पाया, वो ख़त्म हो गया था, मुझे यही मिला। बट ये भी बहुत ज़बरदस्त है, एकदम क्लीन और बजट में एकदम, ठीक है। और ये रहा अपना बेड है मस्त एकदम, बाथरूम में फ्रिज है छोटा सा, कबर्ड है, टेबल है, टीवी है, एसी है, मस्त है। और एकदम क्लीन रूम है, देख के पता चल रहा है, बोला चलो अच्छा है। टूर की शुरुआत हो गई है, एक से एक दुकानें यहाँ पर। पिज़्ज़ा हट को देखो, ओए होए गजब का पिज़्ज़ा हट है ये तो। और फिर ये चर्च देखो, गजब यार। अभी खींच लेंगे ना, अभी चलो आते वक्त खींच लेंगे। हाँ बट अगर आप कलीकूट में आ रहे हो तो भाई इधर बहुत होटल है, बहुत कुछ है यहाँ पर, आपको सब कुछ एरिए के अंदर ही मिल जाएगा, होटल रेस्टोरेंट्स सब जो है इधर ही मिल जाएगा। तो इधर का क्या सीनेरियो रहता है, क्या व्यू रहता है। बाकी यार सच में बहुत ही अलग तरीके के यहाँ के होटल है, रेस्टोरेंट है, अलग से डिज़ाइन। जैसे वो देखो अभी आ रहा है, उसका ही एकदम अलग डिज़ाइन है, मतलब एकदम ही हट के। हाँ और जिस चीज़ के लिए गोवा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है उसकी सबसे ज़्यादा यहाँ दुकानें हैं। जैसे वो एक दुकान हो गई, फिर ये एक दुकान हो गई, लाइन से ही दुकानें हैं। ये है अपना कलीगुड़ बीच का रास्ता, और अभी हम लोग जा रहे हैं कलीगुड़ बीच इसी रास्ते से। बहुत धूप है। कौन है रे टैक्सी बोल रहा है, वो भी इंग्लिश में है। अब प्राइवेट गाड़ियां यहाँ पर खड़ी है, अपना बीच की तरफ जाते हुआ कि कुछ खास कपड़ों की मार्केट, ज्वेलरी शॉप, डिजाइनर सब ये होते हैं ना घर और में लगाने वाले, सब यहाँ पर मिलेंगे। अच्छा एकदम सामने बीच दिखने लगा है मुझे, यहाँ पर टैटू वाले सब यहाँ पर भाई। और यहाँ की सबसे फेमस लैंड टीटोस लैंड, जो अभी हम लोग जाएंगे, इसके बाद जाएंगे टीटोस लैंड पे भी जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त जगह है वो। फिलहाल ये घूम लेते बीच, उसके बाद चलते। ये रहा भाई हमारा कलीगुड़ बीच, क्या रास्ता बनाया भाई, एकदम शाही स्पेशल रास्ता है, इमेज एकदम जबरदस्त है, गजब। बीच में गार्डन टाइप ये रास्ता, ये बीच। और अभी सनसेट होगा थोड़ी देर में, सनसेट भी होने वाला है भाई, लेकिन बड़ा जबरदस्त बनाया है, गजब का मजा आ रहा है कि नहीं बेस। तो भैया अभी हम लोग जा रहे बीच के पास, एकदम बैठेंगे, क्या हवा चल रही है, ठंडी ठंडी मजेदार। उधर नहीं बैठना ही, सीधा 1000 रुपये का बिल बना देंगे बैठने पे। थोड़ी अलग है, ज्यादा तप नहीं रही है। वाह अरे पानी छुआ है पैर को यार, क्या कहते आशीर्वाद देते पहले को, राजा पानी 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 ये पानी पानी ले लिया भाई हमने गोवा का। अरे बाप रे खतरनाक माहौल, खतरनाक गजब। ये रहे तो भैया ये है कलंगुड़ बीच का सर्कल, और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अभी घर के लिए, सुबह फटान थक गए। अभी टीटोस लाइन गए कि जिस दिन हम लोग अब आएंगे स्कूटी लेके, मतलब कल ही जिस दिन, क्या बहुत दिन नहीं हमारे पास, 4-5 ही दिन है, तो कल हम लोग आएंगे स्कूटी लेके तब घूम लेंगे। और वैसे भी हम लोग थक गए, सुबह ट्रेन में आधी अधूरी नींद, फिर तब की नींद, अब सोच रहे हम लोग घर पे जावे थोड़ा आराम करते। तो
अभी वीडियो एडिट करनी है, डालनी है, बहुत काम है। और कल हम लोग बहुत मस्त जगह जाएंगे, वहाँ की शूट करेंगे, तो फिर उसकी भी वीडियो डालेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो भी शूट किया उसको एडिट करना है, एडिट करके फिर डालना है। तो आप लोग ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।